क्वेश्चन नंबर 170, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए एंड हाइट बी. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी जो ट्राइंगल की जो एरिया है वो ए है और हाइट कितनी है, बी है. देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए इज, आपसे बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू पूछी है. बना लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है, एरिया आपको दिया है ए, और इसकी हाइट है वो आपको दी है बी. मैं अपना जो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल माना है, इसका जो साइड है वो कुछ मान लेता हूँ. साइड मान लो मैंने इसकी पी मान ली अपने पास से. सपोज कर लो तीनों साइडें क्या है इसकी, पी है. जनरली ए मानते हैं पर ए एरिया में दे दिया, इसलिए मुझे कुछ और मानना पड़ा. मैंने इसकी साइड को क्या मान लिया, पी. तो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर. साइड कितनी है, पी, तो पी का स्क्वायर आ जाएगा. पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको दे रखा कितना, ए. तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू √3/4 पी का स्क्वायर. ठीक है, एक बात मुझे और बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट बना रहा हूँ, जो हाइट होती है वो मीडियन का काम भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है. ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो मीडियन भी होती है, मीन्स इस साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगी, साथ के साथ परपेंडिकुलर भी होगी. ये आपको बी दे दी, कितनी दे दी, बी. तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला और तरीके से तो निकाल सकते हो. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक तरह से और कैसे निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस कितनी है, पी है, और हाइट कितनी है, बी. तो ये भी तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके. तो आप दोनों फॉर्मूले लगा दिए तो इसके बराबर होगा कितना, पी बी अपॉन टू. ये 1/2 को मैंने नीचे लिख लिया. ये तीनों चीज़ें क्या आपस में इक्वल है. अब आपको बी स्केयर अपॉन ए की वैल्यू पूछी है, बी स्केयर अपॉन ए की. तो देखते हैं कैसे निकलेगा. आपको ए की वैल्यू पी में तो पता है, अगर मैं लिखूँ इसको, ए की वैल्यू पी में कितनी है, √3/4 पी का स्केयर. ऐसे ही आप जो बी है ना, बी की वैल्यू भी पी में निकाल लो. आप इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो, कितना बनेगा, √3/4 पी स्केयर इक्वल टू पी बी बाय टू. पी स्क्वायर है, एक पी से एक पी कट गया. ठीक है, तो 8 2 1 2 टू टू ज़ा 4, नीचे से कट गया. तो क्या बचा, बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आपके पास आई √3, एक पी बचा पड़ा है, अपॉन टू. तो देखो आपके पास ए की वैल्यू भी पी में आ गई और बी की वैल्यू भी किस में आ गई, पी की टर्म में आ गई. आपने क्या निकालना है, बी स्क्वायर अपॉन ए. तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहीं पे. अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, बी स्क्वायर चाहिए मुझे, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3p/2 का स्क्वेयर. कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वेयर करोगे तो 3, पी का स्क्वेयर कर दो पी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर करोगे तो 4. √3 का स्क्वेयर कितना हो गया, 3 हो गया, पी का स्क्वेयर पी स्क्वेयर हो गया, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया. तो आपके पास बी स्क्वेयर भी आ गया. अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है बी स्क्वेयर अपॉन ए. इसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई, 3p² / 4 अपॉन ए की वैल्यू पता है ना, ए की वैल्यू घेरी कितनी, √3/4 पी का स्क्वेयर. तो 4 से 4 कट गया, पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर कट गया, बचा कितना, 3/1 अपॉन √3/1, मीन्स एक तरह से 3/√3 बच गया. कितना बच गया, 3/√3. आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3/√3. एक √3 से √3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, √3/1. तो आंसर कितना आया, √3:1 इसका आंसर आएगा, मीन्स √3 आंसर आ गया. एक ही बात है ना, √3:1 बोल लो चाहे √3 बोल लो, इसका थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा.